अब हम लेंस के अंदर पहले उनके लॉज को समझते हैं। कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ दोनों तरफ है, बाईफोकल लेंस है, इफ़ ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन अपवर्तन के बाद इट पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। इसकी मैकेनिज्म मेरी पहली वीडियो में आप देख चुके हैं। यदि कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये बाहर की ओर, ठीक है, डाइवर्ज होती है, फैलती है, ऊपर की ओर जाती है, जो पीछे की तरफ अगर हम इसको देखें वर्चुअली ऐप पर आकर के मिलती है। तो ये पहला नियम हुआ, तो ये पहला नियम हमारे अधिकांश रे डायग्राम में लागू होगा। सेकंड, अगर हम इसका उल्टा देखें, यदि कोई प्रकाश किरण ऐप से होकर के गुजरती है सो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इन द सेम केस, इन केस ऑफ कनकेव, इफ ए रे ओरिजिनेट टुवार्ड प्रिंसिपल फोकस सो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इफ ए रे पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस सो इट पास विदाउट रिफ्रैक्शन, स्ट्रेट चली जाती है, सीधी चली जाती है। इन द सेम केस कनकेव लेंस। नाउ अब इन तीन लॉज का यूज करते हुए हम लेंस के रे डायग्राम को देखते हैं। व्हेन ए रे व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी, यदि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इन्फिनिटी से आने वाली पैरेलल रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ पर मिलती हैं? प्रिंसिपल फोकस पर मिलती है। तो इमेज कहाँ बनी? एफ टू पर। कैसी बनी? पॉइंट से रियल एंड इन्वर्टेड। इफ ऑब्जेक्ट एट एफ तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू एफ हो तो इमेज बनती है एफ टू और टू एफ टू के बीच में। इसको हम स्लाइड करा करके देख सकते हैं। ये मैंने डबल सीट यूज की है ताकि आगे वाला पॉइंटर एक एरो की तरह से काम करे। व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू एफ वन एंड एफ वन तो इमेज कहाँ बनती है? बियॉन्ड टू एफ टू। व्हेन ऑब्जेक्ट एट टू एफ वन तो इमेज कहाँ बनेगी? टू एफ टू, सेम साइज की बनेगी। वर्चुअल एंड सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड सेम साइज। व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ तो एफ एंड ओ के बीच में होने पर वर्चुअल एंड इरेक्ट सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन केस ऑफ कनकेव लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी तो कहाँ बनेगी? एफ पर, पॉइंट से वर्चुअल एंड इरेक्ट। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एनी पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस इन केस ऑफ कनकेव लेंस तो इमेज कहाँ बनती है? ऑलवेज एफ एंड ओ के बीच में बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। इसी तरीके से ग्लास स्लैब के अंदर हम इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे दिखा सकते हैं। प्रिज्म के अंदर हम रिफ्रैक्शन को दर्शा सकते हैं। मायोपिक आई, करेक्ट आई को भी हम इसी तरीके से रे डायग्राम के द्वारा दिखा सकते हैं। ये स्ट्रिप को आगे पीछे हम मूव कर सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिक आई और करेक्ट आई यूजिंग कन्वेक्स लेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।